नमस्ते किसान साथियों, किसान साथियों आपका राज पटेल पाटीदार किसान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको RBSM 1135 की जानकारी बताने जा रहा हूं, जो कि मुझसे कुछ जानकारियां छूट गई थी और कुछ किसान भाई के कमेंट और कॉल आया था कि पाटीदार साहब आप हमें ये बताइए कि इसमें ये खासियतें हैं कि नहीं। और दोस्तों तो ये मैं पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। दोस्तों आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और वीडियो को बिना स्क्रैप किए पूरा देखिए। दोस्तों बिना आगे बढ़ाए पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों आप आगे बढ़ाओगे तो कुछ जानकारी आपको भी छूट जाएगी। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार आपको मैं कहीं नई वैरायटी अगले साल भी लाऊं, कभी भी नई वैरायटी का पता चले मैं आपको बताऊं तो आप तक वो जानकारी नहीं पहुँच पाएगी। दोस्तों इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आप तक हर वीडियो और हर वैरायटी के बारे में आप तक जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अपन आगे बात करें RBSM 2011-35 सोयाबीन वैरायटी की। तो दोस्तों RBSM 2011-35 वैरायटी, इसमें दोस्तों एक किसान भाई का कमेंट आया था कि पाटीदार साहब RBSM 1135 और RBSM 2011-35 वैरायटी दोनों एक ही वैरायटी है। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि RBSM 2011-35 और RBSM 1135 दोनों एक ही वैरायटी है। दोस्तों बहुत से किसान भाई और बहुत से बता रहे हैं उसमें कि 1135 और RBSM 2011-35 वैरायटी, तो दोनों वैरायटी एक ही है, लेकिन शॉर्ट में बोल रहे हैं कोई किसान भाई, शॉर्ट में बोल रहे हैं 1135, बाकी दोनों वैरायटियां एक ही है, सेम ही है। तो ये आपको कंफ्यूज तो दूर कर दिया है मैंने कि दोनों वैरायटियां RBSM 1135 और दोस्तों उससे पहले अगर कोई अगर बोल दे कि 1135 है इसका दाना ऐसा है और कोई बोल दे कि RBSM 2011-35 है, कोई अगर आपको बेकार आया तो उसमें बिल्कुल नहीं आए दोस्तों। और आप अभी किसी किसान भाइयों ने अगर लगाया हो तो उसके प्लाट पे जाके विजिट करिए और देखिए कि वास्तविक RBSM 1135 और RBSM 2011-35 का दाना कैसा रहता है, तो उससे आपको पता चलेगा। दोस्तों अपन पूरी साल मेहनत करते हैं, उसके बावजूद अपन अगर बहुत से किसान भाई बोल रहे हैं कि मेरे वहाँ पे यार दूर है, थोड़ा 50 किलोमीटर दूर है, मैं कैसे देखने, तो दोस्तों पूरे साल मेहनत करते हैं अपन, तो थोड़ा सा जाने में कोई हर्ज नहीं है। आप जाइए और देखिए कि वास्तविक क्या पोजीशन है, कौन सी वैरायटी, इसी 1135 की नहीं कौन सी भी वैरायटी है, अगर कोई बता रहा है तो उसका जाके आप पूरा देखिए। अगर आप पूरा साल मेहनत करेंगे, अगर आपने मान लो 10 बीघे में लगाया, 10 बीघे में आपका 50 क्विंटल या क्विंटल पे फर्क पड़ता है, तो आपका कितना फर्क पड़ता है, मतलब 10 क्विंटल सोयाबीन का, तो 10 क्विंटल पे आप जाएंगे तो 50,000 रुपये का, तो आप 500 रुपये पेट्रोल भी अगर खर्च कर देंगे तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसलिए पूरा जानकारी आप लीजिए, उसके बाद में कोई सोयाबीन वैरायटी का चयन कीजिए। दोस्तों सबसे पहली बात, अच्छे बीज का चयन, अच्छे बीज का चयन रहेगा तो आपको बराबर एवरेज आएगा, उत्पादन बढ़ेगा। और दोस्तों आगे बात अपन करते हैं RBSM 2011-35। तो दोस्तों मेरे मुझे बहुत से किसान भाइयों ने पूछा गया कि पाटीदार साहब आप हमें बताइए कि 3 और 4 दाने रहते हैं एक नहीं, 4 दाने की फलियां आती है एक नहीं RBSM का। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे मैंने कॉल आने के बाद मैंने और कमेंट आए थे, उसके बाद मैंने देखा मेरे खेत पे जाके, तो दोस्तों वहाँ पे RBSM 1135 सोयाबीन वैरायटी में 4 दाने दिखाई दे गए मेरे खेत पे भी, अभी तक मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन एक किसान भाई का कॉल आया था उसके बाद में मैंने जाके देखा। तो दोस्तों मेरी ज़मीन क्या है, थोड़ी हल्की है, मैं झाबुआ ज़िले में हूँ दोस्तों, और आपको भी पता है झाबुआ ज़िले की ज़मीन थोड़ी सी हल्की है, तो मेरे ज़मीन की मिट्टी 2 से 2.5 फीट है, और जो मालवा क्षेत्र की ज़मीन है वहाँ पे 30 से 40 फीट भी गहरी मिट्टी है, उनमें 4 दाने की फलियाँ 15% है दोस्तों, और मेरे यहाँ पे 6-7% ही है 4 दाने की फलियाँ। उसका रीज़न ये है दोस्तों, ज़मीन से भी फर्क आ जाता है। दोस्तों मैं अभी आया हूँ यहाँ पे धार ज़िले में, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा मालवा क्षेत्र में यहाँ पे मिट्टी गहरी मिट्टी में दोस्तों यहाँ पे 15% 4 दाने की फलियाँ दिखाई दी गई मुझे। तो मैं आपको बता दूँ कि RBSM 2011-35 और RBSM 1135 दोनों में 4 दाने की फलियाँ हैं। तो और दूसरी बात, और एक किसान भाई का कमेंट आया था कि अभी एवरेज क्या दे रहा है, तो दोस्तों मैंने तो अभी इसकी हार्वेस्टिंग नहीं की, लेकिन एक किसान भाई का कॉल आया था, उन्होंने जो कि हार्वेस्टिंग कर ली है, उनकी 14-15 तारीख की बुआई थी, उन्होंने हार्वेस्टिंग कर ली, मेरा 24 तारीख का बुआई है, तो उन्होंने उसकी हार्वेस्टिंग तो उनका बताया, वो बोल रहे थे मुझे कि भाई साहब हमारा 7 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से उत्पादन आया है। तो दोस्तों उन्होंने तो बता दिया वो धार ज़िले के हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि हमारे झाबुआ में मेरा खेत का स्वयं बताऊँगा निकलेगा तब, क्योंकि मैं दूसरे पे अभी तक इतना विश्वास नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि किसानों की पूरे साल की मेहनत की मेहनत का कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों मैं बिल्कुल आपको इस मेरे खेत पे ही उत्पादन निकलेगा, उसके बाद में बताऊंगा कि क्या उत्पादन रहा। अगर मेरे खेत में अगर हल्की ज़मीन है, अगर मेरा 5 काया है, तो बेचक
मालवा की ज़मीन में साग का उत्पादन हो सकता है। मेरा 80 कड़ी का बीघा भी है दोस्तों, इसलिए भी थोड़ा सा एवरेज में फ़र्क पड़ेगा। और ज़मीन के चार दाने की फलियां नहीं आए, दाने नहीं आए फलियां में, इसलिए भी फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप दाने बीज का सही चयन, मतलब बीज को देख परख कर ही लीजिए। बहुत से किसान भाई, अभी एक किसान भाई का कॉल और फोटो आया था, वो किसान भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो सुन भी रहे होंगे कि मैं वास्तविक सही बता रहा हूँ। एक ने कॉल फोटो पहुँचाया मुझे व्हाट्सएप पे कि भाई साहब ये देखिए आप, ये 11:35 मुझे कर बता के दिया गया है बीज, तो 11:35 है। तो दोस्तों उस वेराइटी में फ़ोटो में उसमें रुएदार फलियाँ बताई गई है। तो दोस्तों रुएदार फलियाँ मतलब वो या तो फिर 20-69 होगी या फिर 20-98। तो दोस्तों ऐसा मतलब बहुत से किसान भाइयों को बीज के चक्कर में लूटा जा रहा है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल परखिए, पहले बीज को देखिए, चार किसानों के पास जाके देखिए कि वास्तविक 11:35 का दाना कैसा रहता है या 20-98 का दाना कैसा रहता है, डॉलर का दाना कैसा रहता है। ये सारी जानकारी आप पहले लीजिए, उसके बाद में बीज खरीदिए। दोस्तों जल्दबाजी में कोई काम ना करें, जल्दबाजी में हो सकता है आपकी फसल बिगड़ जाए, पूरा साल नष्ट हो जाता है, आपकी पूरी मेहनत जा सकती है। दोस्तों पूरा साल जाने के बाद किसान 4 वर्ष तक पिछड़ा जाता है, इसलिए आप पूरा ध्यान में रखिए। और बीज का और इसके डिस्टेंस, अगर आप 14 इंच में बो रहे हैं तो आप इसका बढ़ा के 16 से 17 इंच कर दिए, 18 इंच कर दिए, 18 इंच में भी बेहतरीन उत्पादन आएगा इसका। दोस्तों ये जो आड़ी पड़ती है, गिरती है, वह समस्या नहीं आएगी, और दाने चार दाने की फलियाँ ज़्यादा आएगी उसमें, क्योंकि डिस्टेंस रहेगा तो पौधे को ताकत अच्छी मिलेगी। तो उससे क्या है दोस्तों, चार दाने की फलियाँ आएगी। और फंगीसाइड का उपयोग कीजिए आप, फंगीसाइड से भी दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है फसल में, उसका उम्र बढ़ता है 7-8 दिन, तो उसमें दाने का साइज बड़ा होता है, फलियों में दाना भराव अच्छा होता है दोस्तों, और तेल की मात्रा भी बढ़ती है, उससे वजन बढ़ेगा दोस्तों। इसलिए आप मतलब पूरे टेक्निकल से खेती कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दवाई पे ध्यान न देते हुए बीज का सही चयन करें। बीज का अगर सही चयन होगा तो आपकी फसल अच्छी होगी, और आप दवाई का भी अगर ध्यान रखें तो बिल्कुल बिल्कुल कंपनियों की दवाई लीजिए, न कि सस्ती दे रहे हैं तो सस्ती का मतलब सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वो वाली कहावत पुरानी कहावत है, वो पुरानी कहावत है जितनी भी है वह सत्य है। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल सस्ते पे न जाए, और आप बिल्कुल अच्छी कंपनी के दवाई का यूज़ कीजिए जो नामी कंपनी है उसका। दोस्तों जय जवान जय किसान, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिए। जय जवान जय।